नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीट पर इंडी अलायंस में सीटों का बंटवारा हो चुका है। एक और महागठबंधन में कांग्रेस दावेदारी कर रही थी 9 सीटों पर, उन्हें मिल तो गया है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के झोली से छीन लिया है तेजस्वी यादव ने। वहीं लेफ्ट को 5 सीटें आरजेडी ने लोकसभा के चुनाव में दी है। तो हमने इससे पहले 26 सीटों के बारे में आपको बताया, जिन 26 सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में होंगे। और अब बात करेंगे कांग्रेस और लेफ्ट की। देखिए, कांग्रेस के झोली में 9 सीट गई है, वहीं 5 सीट मिला है लेफ्ट को। तो ऐसे में कौन कौन सी वो सीट है, देखिए आपके सामने एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। किशनगंज सीट, देखिए किशनगंज वो सीट है जहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सफलता हासिल की थी, जीत हासिल की थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिंगल एमपी चुनाव जीते थे बिहार से। हालांकि बिहार में आरजेडी 0 पर आउट हो गई थी। कटिहार सीट भी कांग्रेस ने अपने खाते में रख लिया है, यानी कि कटिहार सीट आरजेडी ने छोड़ा है। इसके अलावे भागलपुर की बात करें, देखिए भागलपुर से अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा जो अभिनेत्री है वो कैंडिडेट हो सकती है। मुजफ्फरपुर सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। देखिए मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। वहीं समस्तीपुर सुरक्षित सीट है, ये भी सीट कांग्रेस के खाते में ही गई है। पश्चिमी चंपारण बेतिया लोकसभा सीट, ये सीट कांग्रेस को मिली है, और ये माना जा रहा है कि अखिलेश सिंह अपने बेटे के लिए इस सीट को लिए हैं कांग्रेस से। यहां से आकाश सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावे पटना साहिब सीट, देखिए पटना साहिब जहां से रविशंकर प्रसाद बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पटना साहिब सीट भी खाते में चली गई है कांग्रेस के। सासाराम मीरा कुमार के परिवार के लोग यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि छेदी पासवान भी कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में है। वहीं महाराजगंज सीट, देखिए महाराजगंज प्रभुनाथ सिंह का गढ़, और महाराजगंज सीट आरजेडी ने दे दिया है कांग्रेस को। इसके अलावे CPIML की बात करें, देखिए CPI माले को आरा लोकसभा सीट मिला है। इसके अलावे काराकाट और नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा, और अंगियाओं विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने, मनोज मंजिल जिनकी सदस्यता चली गई है क्योंकि सजायाफ्ता हो गए हैं, वो उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है उन्हें। तो अंगियाओं सीट पर जो उपचुनाव होंगे उसमें माले का उम्मीदवार होगा। इसके अलावा CPI की बात करें, देखिए बेगूसराय सीट जो है वो CPI के खाते में गई है, और यहां से कांग्रेस की तैयारी थी कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारने की, लेकिन कन्हैया का पत्ता कट चुका है। CPM को खगड़िया सीट मिली है। तो ये 14 वो सीट है जो इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे के बाद कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में गई है। खास तौर पर पूर्णिया लोकसभा सीट, जिसकी डिमांड कांग्रेस नेतृत्व की थी, केंद्रीय नेतृत्व की, लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने वहां पर समझौता किया है। वहीं अगर बात करें बेगूसराय की, कन्हैया कुमार रेस में थे, कन्हैया कुमार को लेकर भी कांग्रेस का साफ तौर पर कहना था कि कन्हैया को हम चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन कन्हैया कुमार को यहां पर बेगूसराय लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिला है क्योंकि CPI के खाते में चली गई है कांग्रेस में CPI छोड़कर, हालांकि अब कन्हैया आ चुके हैं। वहीं CPM सीट जो है वो CPM के खाते में चली गई है। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।